बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चुनावी मौसम है इसलिए लगातार वार पलटवार हो रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आ गया है। हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दो टूक कहा गया। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और तेज एक्शन होगा। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बातें कही हैं, करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर। बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर लगातार एक्शन हो रहा है। विपक्ष अपनी पक्की हार से उत्साहहीन है। कई लोगों ने ईवीएम का बहाना निकाल रखा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। एक इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही गई जिसमें ईवीएम को लेकर भी कहा गया है, कई लोगों ने ईवीएम का बहाना पहले से ही निकाल रखा है क्योंकि आशंका है कि हार पक्की है और इसी पक्की हार के तहत विपक्ष उत्साहहीन है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़ी बातें कही है। बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमोद, बड़ी बातों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि इस पर हमारे तीसरे टर्म में भी भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने जो अपना साक्षात्कार दिया है अखबार को, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी और उन्होंने बताया है विस्तार से कि किस तरह से 2014 से ही लगातार वो भ्रष्टाचार को निवारण के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने इसमें जो लोअर लेवल पे भ्रष्टाचार होता था उसको कर्टेल करने के लिए अब तक क्या क्या किए। उन्होंने बताया है स्पष्ट तौर पे कि ग्रुप सी और डी कैटेगरी के साक्षात्कार को, नौकरियों में साक्षात्कार को इसलिए खत्म किया गया ताकि वहाँ पे भ्रष्टाचार रुक सके। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे डीबीटी के माध्यम से भ्रष्टाचार रुकने की कोशिश सरकार ने किया है और उन्होंने कहा है कि बिचौलियों की जेब में पैसा जाने की किसी भी तरह की जो सूरत बनती है उसपे उनकी सरकार फर्म है और किसी भी तरह से उसके विरुद्ध है और उन्होंने अपनी मंशा साफ की है कि भ्रष्टाचार को लेके किसी भी तरह से आगे कोताही नहीं होगी, लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके अलावा उन्होंने तमाम अपनी बातें कही हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मान कर चल रहे हैं कि तीसरा टर्म भी एनडीए जीत रहा है और उनकी पार्टी जीत रही है और सरकार में वो आ रहे हैं और इसी के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि जो विपक्षी दल है निरुत्साह है, हतोत्साहित है और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस पूरे सरकार में, उन्होंने इस बात पर ज्यादा फोकस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आमोद, बड़ी बातें बताने के लिए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से जुड़ी हुई, शुक्रिया। तो देश में अब भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर कैसे सरकार है सतर्क, इसी पर करते हैं स्पेशल शो की शुरुआत। लू को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, बड़ी खबर आपको बता दें, अप्रैल से जून तक लू का खतरा और सामान्य से दुगने से ज्यादा तापमान संभव है। गुजरात, उत्तर कर्नाटक समेत कई राज्यों पर खतरे को देखते हुए खबर बड़ी है और इस पूर्वानुमान के तहत किस तरीके से अब सरकार एक्शन में है, बड़ी खबर आपको TV9 भारतवर्ष बताएगा। जहां आपको बता दें कि अप्रैल से जून तक लू का खतरा और सामान्य से दुगने से ज्यादा तापमान संभव। मौसम विभाग की चेतावनी आ चुकी है, चुनावी समर में लू कहर बरपाएगी तो प्रचार दुश्वार हो सकता है क्योंकि चुनावी कैंपेन भी अप्रैल से जून के बीच ही होना है, तो वहीं आम लोगों के लिए भी संकट है। मौसम विभाग ने, IMD ने अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में भी आ चुके हैं मौसम को लेकर और इस भीषण गर्मी के टॉर्चर से देशवासियों को बचाने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्द इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है और किन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा है। अप्रैल और जून के बीच तापमान सामान्य से दुगना या उससे भी अगर ज्यादा रह सकता है, उस लिहाज से ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाती है। जहां देखिए किस तरीके से भारत के इस नक्शे के तहत किन किन राज्यों पर लू के थपेड़े पड़ने का सबसे ज्यादा खतरा है, वही इन्फॉर्मेशन आपके सामने। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लेकर खबर बड़ी है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है हीट वेव से जुड़ी हुई। हीट वेव को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी हैं। आईएमडी एनडीएमए के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आशंका है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा रुलाने वाली है और इसी वजह से ये जो हीट वेव की आशंका है इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से बैठक की गई है समीक्षा बैठक जिसमें लू का खतरा है और एक्शन में भी सरकार दिखाई दे रही है। एनडीएमए और आईएमडी के अधिकारियों के साथ ऑफिशियल्स के साथ बैठक है जिनमें अधिकारियों ने ब्रीफ किया है इस बैठक के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी को कि किस किस इलाके में हीट वेव आ सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लू से देश को बचाने के लिए अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, डायरेक्शन क्या है, किस हिसाब से कैसे एक्शन लेना है और कैसे निपटने के लिए कार्रवाई होनी है। लू से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। इसके अलावा अप्रैल जून के दौरान तापमान पूर्वानुमानों के बारे में भी जाना गया है कि ये जो दो महीने हैं बहुत क्रूशियल हैं। अस्पतालों में इंतजामों के बारे में जानकारी ली गई है कि अचानक से इमरजेंसी आती है तो अस्पताल तैयार हैं या नहीं। स्वास्थ्य विभाग एनडीएमए एडवाइजरी स्थानीय भाषा में जारी करने को कहा गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तालमेल बिठाकर एक्शन प्लान के डायरेक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तमाम अधिकारियों को, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहां जहां अगर इस तरह की आशंका है हीट वेव को लेकर अप्रैल जून इन दो महीनों के दरमियान तो वहां कैसे एक्शन प्लान होगा। केंद्र, राज्य और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने की पूरी पूरी कोशिश और कवायद की जा रही है सरकार की ओर से। चलिए अब आपको बताते हैं कि सबसे गर्म शहर आखिर कौन से हैं और क्यों अप्रैल की गर्मी डरा रही है। अब देखिए किस तरीके से आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 43 डिग्री तापमान को लेकर खबर बढ़ी है। वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तापमान 42 डिग्री, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 41 डिग्री, इसी के साथ तमिलनाडु मदुरई में 41 डिग्री, तमिलनाडु के थंजावुर में भी 41 डिग्री, जबकि महाराष्ट्र में चंद्रपुर में 42 डिग्री तक रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है और महाराष्ट्र में 41, महाराष्ट्र के सोलापुर में 41 डिग्री, कर्नाटक के कलबुर्गी में 41 डिग्री, बिहार पटना में 40 डिग्री, बिहार के नवादा में 39 डिग्री। तो ये जो जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है अप्रैल में अगर ये स्थिति है तो आने वाले महीनों में लोगों के लिए लू की चपेट में आने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। और इस बीच लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। जी हां, चुनावी समर है और इसी महीने की 19 तारीख को पहले राउंड की वोटिंग भी होनी है जिस पर लू का साया है। 7 चरणों का प्रचार और वोटिंग अब भी बचा हुआ है तो समझना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। समस्या ये है कि अभी 7 चरण के चुनाव प्रचार होने बाकी हैं और सुबह शाम के वक्त रैली से सहूलियत हो सकती है। हालांकि ज्यादातर रैलियां दोपहर के वक्त होती हैं, ऐसे में पानी, छांव और मेडिकल सुविधाएं देनी होंगी। गर्मी में मतदाताओं को परेशानी हो सकती है इसलिए वोटिंग सेंटर्स पहुंचने में इसको लेकर भी तैयारियां की जाएंगी। मतदाताओं को जागरूक करना होगा, उनको वोटिंग की अहमियत बार बार बतानी होगी क्योंकि लोग बचते हैं वोटिंग में निकलने से पहले। बिल्कुल, ये जो समस्या है चुनावी मौसम के मद्देनजर जो समस्या है और समस्या का समाधान क्या होना चाहिए वही ग्राफिक्स के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि वोटर्स की संख्या प्रभावित हो सकती है, लोगों को दिक्कत होगी, बाहर गर्मी है इसलिए शायद वो वोट करने ना पहुंचे। इसका समाधान क्या हो सकता है कि वोटिंग सेंटर्स पर ही लोगों को सुविधाएं देनी होंगी। तो चुनाव पर लू के असर को देखते हुए जो समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान के तहत जिस तरीके से ये हाई लेवल मीटिंग हुई है, मेरे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आनंद, इस मीटिंग के तहत समस्या समाधान के साथ साथ जागरूकता पर भी फोकस रहा। जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने यह हाई लेवल मीटिंग की उसमें आने वाले लगभग 1.5-2 महीने में मौसम का तापमान का अनुमान क्या रहेगा और साथ ही साथ उसकी क्या तैयारी है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस बैठक में समीक्षा की। और जैसा कि आपने बताया कि अगले 1.5-2 महीने जो है वो लाखों लोग सड़कों पर होंगे, यानी कि जनता भी सड़कों पर होगी, नेता, मंत्री, मतदान कर्मी, चुनाव अधिकारी, तमाम लोग सड़कों पर होंगे और किसी न किसी बहाने किसी न किसी जरिए वो लोग चुनाव से जुड़े हुए थे। ऐसे में अभी जो तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंच गया, आने वाले दिनों में और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात की समीक्षा की, खासतौर से जो लोग जनता और जो तमाम आम लोग और मतदान कर्मी जो सड़कों पर होंगे, जनता के बीच होंगे, उसके निपटने की क्या क्या तैयारियां हैं, एनडीएमए की क्या क्या तैयारियां हैं और साथ ही साथ मौसम विभाग की क्या क्या भविष्यवाणी है। और जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने उस
बैठक के बाद इस वक्त निर्देश दिए कि जो भी एडवाइजरी जारी की जाएंगी आईएमडी की तरफ से या फिर दूसरे महकमों की तरफ से वो स्थानीय भाषा में भी उसको ट्रांसलेट किया जाए ताकि उसको आम आदमी भी समझ सके। साथ ही साथ वायरस की जो वायरस घोल की जो तैयारी रहे पटनाकर्मियों को भी किया जाए, जनता के लिए भी अवेलेबल रहे, अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं रहे, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहे और साथ ही साथ जो मौसम विभाग की फोरकास्ट करता है उसकी भी जानकारी जनता को सही समय पर दी जाए और जो स्थानीय भाषा है बिल्कुल आनंद कई स्तर पर तैयारियां की जाएंगी जिसमें केंद्र है, राज्य है और जिला स्तर पर तैयारियां की जाएंगी ताकि ये सुनिश्चित हो कि जो वोटर्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो और गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सके ताकि अगर सुविधाएं या सहूलियत उन तक पहुंचती हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका ये दिशा निर्देश बताने के लिए कि सरकार कितने एक्शन में है। और आगे बढ़ते हैं, आज दो राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री आज जम्मू और राजस्थान में रैली करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है। राजस्थान में भी प्रधानमंत्री जाएंगे जहां पर बाड़मेर में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को दौसा में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर और राजस्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर जाएंगे जहां वो एक जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की उधमपुर में रैली को लेकर पूरी तैयारी की गई है। उधमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यहां के लोगों में काफी उत्साह है, पीएम को सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में अद्भुत काम हुए हैं। पूर्ण उत्साह है और बड़ी भारी मात्रा में, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मोदी जी के दर्शन करने के अभिलाषी हैं, उनकी बात सुनने को व्याकुल हैं। विशेषकर नारी शक्ति को देखकर एक अद्भुत उत्साह है जो शायद पहले बहुत अधिक देखने को कभी अक्सर नहीं मिला। और आम जनमानस इस समय मोदी जी 400 पार का आह्वान करके निकल पड़ा है चुनावी मैदान में। जिस प्रकार के अद्भुत कार्य होते रहे हैं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है लोग आश्वस्त हैं। अमित शाह आज दो राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। शाह पहले यूपी के मुरादाबाद जाएंगे और उसके बाद दो दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचेंगे। आपको बता दें अमित शाह का आज का चुनावी कार्यक्रम है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शाह आज कई जनसभा को संबोधित करेंगे। वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाएंगे जहां बुधवार के मंच से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करेंगे। तमिलनाडु चुनावी पारा चरम पर है, यहां 39 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार तेज कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज दो दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचेंगे। तमिलनाडु में अमित शाह 4 रोड शो करेंगे। आज शाह मदुरै में रामा श्रीनिवास के समर्थन में पहला रोड शो करेंगे। उसके बाद शाह एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा करेंगे। सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगियों ने 2019 के चुनावों में 39 में से 38 सीटें जीती थी। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु में कमल खिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि बीजेपी तमिलनाडु में कितना कमाल कर पाती है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में अमित शाह ने एमवीए महाविकास अघाड़ी को एक दिशाहीन ऑटो रिक्शा बताया है। शाह ने कहा है कि तीन आधी पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र का भला नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के 48 सीटों पर सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार को रफ्तार दी है। नांदेड़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया। तीन पार्टियां इकट्ठा हुई है, एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। शाह ने कहा कि ये तीन आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला नहीं कर सकते। उद्धव जी की शिवसेना आधी रह गई, शरद राव की एनसीपी आधी रह गई, ये तो दो आधे थे ही, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को भी आधा कर दिया, आधा करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ ये तीन आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? गृह मंत्री ने राम मंदिर से लेकर कश्मीर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया।
बड़ी खबर, तमिलनाडु दौरे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कोयंबटूर में आज विपक्षी गठबंधन की रैली, सीएम स्टालिन के साथ मंच साझा करेंगे राहुल गांधी। तमिलनाडु की 39 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव। तमिलनाडु में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार अभियान तेज हो गया। मिशन दक्षिण के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु जा रहे हैं, जहां वो दो जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी तिरुनेलवेली में दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को कोयंबटूर में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी इस रैली में डीएमके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ मंच साझा करेंगे। कोयंबटूर सीट बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को चुनाव मैदान में उतारा है। अन्नामलाई धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देर रात उन्होंने कोयंबटूर में रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। रोड शो के दौरान अन्नामलाई ने ढोल भी बजाया। वहीं अन्नामलाई के समर्थन में प्रचार करने आए टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने कहा है कि अन्नामलाई एक युवा हैं और यहां की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दो राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। नड्डा पहले मध्य प्रदेश जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र के गोंदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में मतदान वाली सीटों पर सियासी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। स्टार प्रचारक लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। जेपी नड्डा सबसे पहले मध्य प्रदेश जाएंगे। नड्डा आज दोपहर 11 बजे सीधी के बहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जनसभा करेंगे। छिंदवाड़ा के बाद जेपी नड्डा शाम 4:50 पर महाराष्ट्र के गोंदिया में रैली करेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें विश्वास है कि छिंदवाड़ा के लोग बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, 16 तारीख को हमारे गृह मंत्री भी आ रहे हैं, उनका रोड शो होगा और निश्चित रूप से हमारे दोनों ही नेता बहुत प्रभावशाली है। जनता उनको सुनना चाहती है। कल भी हमें लगता है कि हजारों की संख्या में नड्डा जी के लोग सुनने आएंगे और अमित शाह जी के रोड शो में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एजेंसी के दुरुपयोग करने के विपक्ष के आरोप पर जवाब दिया और एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं क्योंकि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल हमारी वजह से जेल गए तो उन्हें अदालत से राहत क्यों नहीं मिल रही। ईडी, आईबी, सीबीआई, ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसा कर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजा जी, क्यों नहीं अदालत से राहत मिली? संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? मैंने अरविंद केजरीवाल की है, उसके पहले भी जो लोग भी जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह सबकी, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो रही भाई। न्यायालय पर भी लगता है उनका विश्वास नहीं रह गया क्या? न्यायालय का जो भी फैसला होगा हमारे खिलाफ होगा, स्वीकार करेंगे हम। एजेंसी को जो अपना काम करना है एजेंसी अपना काम करेंगे। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब, ये बेबुनियाद निराधार आरोप है। वो अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता को विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं और कोई ये गुमराह करके सोचेगा कि हम भ्रष्टाचार के आरोप से बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के प्रधानमंत्री पर दिए बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अब आरजेडी की ओर से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मोर्चा संभाल लिया है। मीसा भारती ने पीएम मोदी को भी चुनौती दे दी है। मीसा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम से लेकर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो जेल जाएंगे। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है।
अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं, जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना है क्या? बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी को पप्पू यादव ने राजनीतिक साजिश बताया। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय पर अचानक पुलिस आधमकी। कार्यालय के कार्यकर्ता हैरान हो गए। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो प्रचार को बैनर, पोस्टर और डीजे से सजा रहे थे, जिनका उन्होंने प्रशासन से आदेश भी लिया। बावजूद इसके पुलिस चार गाड़ियों को थाने ले जाना चाह रही थी। आनन फानन में पप्पू यादव को कार्यकर्ताओं ने फोन किया, जिसके बाद पप्पू यादव आए और अधिकारियों से कारण पूछा। आप यहाँ कैसे? जांच किया था, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या? गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी कोई परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है। पप्पू यादव ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। डरने वाला तो हूँ नहीं ना, दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत। पप्पू ने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, अगर उनके साथ कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वायु सैनिक का सुरक्षा गार्ड है और उसके बाद अभी तक नहीं देना, तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन 400 में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी मिशन 400 है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है दिग्विजय सिंह का मिशन 400। दिग्विजय सिंह का मिशन 400 ईवीएम से चुनाव के विरोध पर टिका है। कहा जा रहा है कि इस मिशन के जरिए वो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से राजगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव करवाने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि नियम के अनुसार अगर 384 उम्मीदवार एक सीट पर हो जाते हैं तो फिर चुनाव बैलेट पेपर से होगा। दिग्विजय सिंह के आह्वान पर कार्यकर्ता भी नामांकन के लिए मुहूर्त के इंतजार में हैं। राय साहब को हमें जिताना है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ता 400 से ऊपर फॉर्म भरने जा रहे हैं। बहुत जल्दी अच्छा मुहूर्त देखकर हम इसको फॉर्म भरेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के मिशन 400 को चुनाव से पहले ही हार की हताशा करार दिया है। ये पराजय स्वीकार करना है, वो जानते हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बनाएं, ईवीएम के मत्थे दोष मढ़ दें और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इतने फार्म भरवा दो, इतना फलाना कर दो। ये तो सुनिश्चित हो चुका है, उनके अंतर्मन में भी ये बात बैठी कि वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा में अलग अंदाज दिखा चुनाव प्रचार के दौरान। शिवराज का ये अनोखा रंग आप भी देखिए। विष्णु माता बता गई रे एक छोटी सी कन्या। मौसम चुनाव का है, मौका नवरात्रि का है, चुनावी रंग में ये भक्ति का रंग भी दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भजन सुनते ही खुद को रोक नहीं पाए और माता रानी के भजन में गायक के साथ सुर मिलाए। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र के इछावर में एक चुनाव सभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन किया। चुनाव प्रचार के दौरान सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के टॉप 7 युवा ऑनलाइन गेमर से मिले। देश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और इनकी संख्या 21 करोड़ से भी ज्यादा है, जो चुनाव में सीधा दखल रखते हैं या असर डालते हैं। इस एज ग्रुप के ऑनलाइन गेमर्स की भी बड़ी तादाद है और इन्हीं ऑनलाइन गेमर्स से ये जो संवाद रहा वो बहुत खास रहा। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। ऑनलाइन गेमर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, ये ट्रेलर बताता है कि पूरा एपिसोड कितना दिलचस्प होगा।
इन युवाओं से चर्चा करते हुए उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों के बारे में भी पूछ लिया, उसे समझने का प्रयास किया। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सभी लोगों से उनके गेमिंग के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। सबने अपना किस्सा और उपलब्धियों के साथ आज के दौर में गेमिंग के क्षेत्र में आए बदलाव की बारीकियों को विस्तार से बताया। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं, हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। इस वीडियो में सबसे दिलचस्प हिस्सा तब देखने को मिला जब अपने साथ मिलने आए गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी गेमिंग का अनुभव लिया। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे, अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेल, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो yes. वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया चैट। हु इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन इंडिया? इट्स आवर प्राइम मिनिस्टर। मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ, मैं बीमार हूं तुम भी हो जाए। पीएम मोदी ने इन गेमर्स को अपने हस्ताक्षर वाले उपहार भी दिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। ये पूरा वीडियो 13 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे रिलीज होगा। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं के लिए अच्छी खबर है, कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए नया आदेश जारी किया गया है, उन्हें अब एम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के हर मतदाता के वोट में भागीदारी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसके तहत चुनाव आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए मतदान की मौजूदा योजना में कई बदलाव करने का आदेश दिया है। कश्मीर घाटी में हिंसा के कारण कश्मीरी हिंदुओं खासकर पंडितों को अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ उधमपुर जम्मू समेत देश के विभिन्न भागों में शरण लेनी पड़ी थी, उनके लिए अब नई व्यवस्था के अनुसार जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड जो भी व्यक्ति या जो रह रहा है जो भी व्यक्ति है वो जम्मू में अब सीधे सीधे इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाकर, जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जाकर अपना वोट डाल सकता है। जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग हैं उनको कंसेंट फॉर्म तो भरना होगा, लेकिन उसमें गेजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेशन की अब जरूरत नहीं है। बहुत खुशी है, एज ए यंग वोटर मैं अगर बात करूं तो हमें बहुत खुशी है कि एम फॉर्म को जो हटा दिया गया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एम फॉर्म को जो है हटा दिया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय सेना के पराक्रम की। सिक्किम में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया है, हजारों फीट की ऊंचाई पर सेना के जवानों ने अभ्यास किया। भारतीय सेना चीन से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना के शूरवीरों ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर अपने शौर्य का परिचय देते हुए बता दिया कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सेना की त्रिशक्ति कोर ने इतनी ऊंचाई से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM दागने का अभ्यास किया। इस ट्रेनिंग के दौरान सेना की ईस्टर्न कमांड की इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। ATGM टुकड़ियों ने बख्तरबंद खतरों को बेअसर करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस विध्वंसक अभ्यास से भविष्य में दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र के ऑपरेशन करने में सफलता मिलेगी। अभ्यास को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया है। ऐसे में अभ्यास से सेना का मनोबल और बढ़ेगा, सेना के जवान हर परिस्थिति में दुश्मन से निपटने में कामयाब होंगे। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच 5वां संयुक्त युद्ध अभ्यास 15 से 28 अप्रैल के बीच होगा और इसे लेकर भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस युद्ध अभ्यास से दोनों देशों की सेनाएं साथ में कॉम्बैट ट्रेनिंग करेंगी। तस्वीरें भी आपके सामने, वही वीडियो जहां देखिए किस तरीके से इस युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं साथ में कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाली हैं। एक और मामला सामने आया जो बड़ी खबर है कि तिब्बती मठों में चीन बांट रहा है आपत्तिजनक बुकलेट।
धार्मिक गुरु दलाई लामा के खिलाफ बुकलेट बांटी जा रही है। बुकलेट में दलाई लामा की मृत्यु की कामना की गई है। दलाई लामा की मौत के बाद धार्मिक अनुष्ठान रोकने का फरमान भी जारी हुआ और उसके बाद तिब्बती मठों की धार्मिक पहचान मिटाने में चीन लगा हुआ है। इसी मंशा के साथ तिब्बती मठों पर नियंत्रण चाहता है दरअसल चीन। टीवी 9 के पास चीनी बुकलेट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें दलाई लामा को लेकर बुरा कहा गया है और तिब्बती मठों में नियंत्रण करने की कोशिश के तहत ये बुकलेट जारी की गई है चीन की तरफ से इसी मंशा के तहत। अब तिब्बती मठों में दलाई लामा के खिलाफ बुकलेट को लेकर खबर पड़ी है, क्योंकि मठों को दलाई लामा की मृत्यु के बाद का निर्देश और मठों में धार्मिक अनुष्ठान बंद करने को कहा गया है। तिब्बती मठों का धार्मिक पहचान मिटाने की ये जो कोशिश है, तिब्बती मठों पर नियंत्रण चीन चाहता है। तो तिब्बत मठों के धार्मिक पहचान मिटाने की कोशिश के तहत जिस तरीके से चीन की एक और हरकत सामने आ रही है, टीवी 9 आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से दलाई लामा के खिलाफ बुकलेट बांटी जा रही है। तिब्बती मठों को अब दलाई लामा की मृत्यु की बात का निर्देश दिया गया है और मठों में धार्मिक अनुष्ठान बंद करने को भी कहा है। तो दलाई लामा की मौत आखिर क्यों चाहता है चीन, यही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच किस तरीके से तिब्बती मठों में ही नियंत्रण पाने की चीन की इस कोशिश के तहत बड़े सवाल चीन की मंशा को देखते हुए और तिब्बती मठों में दलाई लामा के खिलाफ बुकलेट में क्या क्या लिखा गया है, किस तरीके से चीन एक और बड़ी साजिश को देखते हुए ऐसी हरकत कर रहा है, बड़े सवाल इस पैम्फलेट के सामने, इस बुकलेट के सामने आने के बाद खड़े हो गए हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि तिब्बती मठों की धार्मिक पहचान को मिटाने की चीन की मंशा है। ये चीन की बहुत ओछी हरकत है जो सामने आई है। तिब्बती मठों में जहां पर दलाई लामा का सबसे ज्यादा प्रभुत्व देखा जाता है, वहां पर ये बुकलेट बांटकर तिब्बती मठों में ये बताया गया है इन बुकलेट में कि दलाई लामा की मृत्यु की कामना की गई है। बहुत ही ज्यादा ओछी हरकत चीन की है नियंत्रण पाने की कोशिश के तहत। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की नई लिस्ट को लेकर खबर है। आजमगढ़ से भीम राजभर बीएसपी उम्मीदवार, फैजाबाद से सचिदानंद पाटे बीएसपी उम्मीदवार, गोरखपुर से जावेद सिमनानी को टिकट मिली है, जबकि बस्ती से दयाशंकर मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीएसपी उम्मीदवारों को लेकर, जिस तरीके से खबर आ रही है, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा चुनावी मैदान में हैं, जबकि गोरखपुर से जावेद सिमनानी को टिकट मिली है। वहीं फैजाबाद से सचिदानंद पांडे बीएसपी उम्मीदवार, आजमगढ़ से भीम राजभर बीएसपी उम्मीदवार। इसी बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी रोविंग एडिटर पंकज झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की इस लिस्ट को देखते हुए क्या बड़ी जानकारी सामने? सबकी नजरें इस बात पर थी कि आजमगढ़ से आखिर बीएसपी किसको अपना टिकट देती है, क्योंकि पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव ने यहाँ से अपनी सांसद की सीट छोड़ दी थी, तो उपचुनाव में उनके भाई धर्मेंद्र यादव हार गए थे, तो बीएसपी की वजह से हार मानी गई थी। वहां से बीएसपी ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भीम राजभर को टिकट दिया है और ऐसा कहा जा रहा था कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी की सीट पर मुश्किल आ सकती है। फैजाबाद जो परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, वहां से बीएसपी ने इस बार एक नया खेल करते हुए ब्राह्मण को अपना उम्मीदवार बनाया है, सचिदानंद पांडे को टिकट दिया है, और घोसी जहां से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी दल की पार्टी को उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में पिछड़ी जाति के बालकृष्ण चौहान जो वहां से सांसद रहे हैं उनको बीएसपी ने टिकट दिया है। यानी कुल आज 9 उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं मायावती की तरफ से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जानकारी देने के लिए, जो बीएसपी की नई सूची जारी हुई है इस लिस्ट के बारे में बताने के लिए कौन कौन से उम्मीदवार हैं।